आपको पता है यहाँ पे वीडियो बनाना सख्ती से मना है। सर्दी बाबा है, यहीं पे सोते हैं सुबह के। पंजाबी आती है, उर्दू आती है, सब आती है। हमारी गाड़ी निकलने में सिर्फ 4 मिनट रह गए और मैंने इसको बोला कि मुझे गाड़ी से बाहर निकलने दो। कहता नहीं, अगर आप बाहर निकलोगे तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। पहली दफा कोई इंटरनेशनल बस ले रहा हूँ जो हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाएगी। तो कहते हमें $100 दो एक एक बंदे की क्लियरेंस फीस। कहता नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इतनी ज्यादा रिश्वत चलती है ना भाई कि उसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे स्टॉप आया तो मैं इसके पास गया, आगे से मुझे कहता कि मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम, जाके बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइनली खाना खा के चाय पी के और मगरिब की नमाज पढ़ के हम फ्री हो गए। अभी शाह की रेलवे स्टेशन जाके पढ़ लेंगे, सामान हमने उठा लिया है। अभी रेलवे स्टेशन में एक कंफ्यूजन होती है, जब आप आए ना इनको SJR बोले, SGR। अगर आपने रेलवे स्टेशन जाना, अगर आप रेलवे स्टेशन बोलेंगे ना तो ये आपको पुराने रेलवे स्टेशन ले जाएंगे। अभी यहाँ से गाड़ी लेंगे जो कि 24 किलोमीटर दूर जाएगी और वह तकरीबन 50 से 70 शिलिंग किराया लेगी और वह हमें रेलवे स्टेशन उतार देगी। तो अभी बस यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और इंशाल्लाह डायरेक्ट निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। चूँकि हमारी 10 बजे की ट्रेन है तो अभी 8:30 हो गया, आधे घंटे पहुँच जाएंगे, एक घंटा पहले वहाँ पर होंगे हम इंशाल्लाह। बाकी सारी बातें इंशाल्लाह वहाँ पे आपको पहुँच के बताते हैं। ये मुंबासा सिटी है जी, बस आज इसको बाय बाय करने लगे हैं जी। ये जो गाड़ियाँ हैं ना ये जाती हैं आगे नैरोबी की तरफ भाई। भाई ये देखिए टैक्सी वालों ने हमें घेर लिया है, ये देखें। नॉट टैक्सी, नॉट टैक्सी ड्राइवर, आई एम टैक्सी ड्राइवर बट आई विल चार्ज यू 300 रुपीस। नॉट या नो मैन, सॉरी। यहाँ से शटर भी जाती है, टैक्सी भी जाती है, हम टैक्सी पे नहीं जा रहा भाई। नो मैन, भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो किराया ना वो बहुत ज्यादा है यार। आप देखें हम नैरोबी से आए हैं ना मुंबासा, तो एक लोकल गाड़ी है ना उससे हमारे से 1800 रुपए मुझसे लिया, यानी 4000 के करीब बनता है पाकिस्तानी। जबकि ट्रेन में जा रहे हैं तो 1000 शिलिंग की है, यानी तकरीबन 2000 पाकिस्तानी, 2100 पाकिस्तानी की ट्रेन है। ट्रेन सस्ती और गाड़ी महंगी है यार, कितनी अजीब बात है। How much? 200 per person. Come. From 150. 150. I'm getting inside. I'm taking you inside. No, 150. You outside. You walk. I'm not leaving you outside. 150. Let's go. We will give you 500 for all of us. No problem. Let's go. I will go for taxi. Look for taxi. You need the taxi. Yeah. Listen, I'm leaving. I'm leaving. Yeah. Ice cream. You remember? Yeah. 500. Yeah. Come. 500. Come. You have the car. Yeah. There's one passenger. You get in. And 500 for all of us. You get in, leave. Okay, open this. 500 all of us के लिए कर दिया है। हम तीनों को अंदर लेके जाएगा 500 में। थैंक यू सो मच मैन, यू सेव मी। अभी ये गाड़ी पीछे हो रही थी और मैं वीडियो बना रही थी, इस बंदे ने मुझे जल्दी से साइड पे किया कि साइड पे हो जाओ, गाड़ी तुम्हें कुचल देगी। आपने कहाँ से सीखा उर्दू? अच्छा, किधर से सीखा? दांत निकालता है हमारे बाहर एक आदमी बैठा है भाई, उसको उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानें आती है, मतलब सेम ही है, फर्क तो नहीं। संगे जुरे से पखेरिया से संगे जोड़ खैर भाई जान, इसको पश्तो भी आती है भाई। वो मुझे बोल रहा था ये पठानों की तरह लग रहा है। I stay in Uruzgan province. Huh? Uruzgan, you know Uruzgan, Uruzgan, eh? Uruzgan, eh? And then I go to Lahore. Really? And then we come back to Sheikh Sharif. Sheikh Sharif. Sheikh Sharif. And then Kabul. Kabul? Yeah. Oh, really, man? Really? You have visited Afghanistan? भाई जान ये एक बंदा बैठा है इसमें अफगानिस्तान, इसको पश्तो भी आती है। स्पीक पश्तो मैन। शंगे स्पीक स्पीक शंगे जुरे से पखेरे से शंगे जुरे पखेरे से। यार इस बंदे ने अफ्रीका, इस बंदे ने इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी देखा। कहता मैं काबुल भी गया हूँ यार, उसको थोड़ी थोड़ी उरुज़गान प्रोविंस, उरुज़गान उरुज़गान दिस स्टारिंग कोट। आई हैव विजिटेड बागराम, बागराम काबुल, फारा। या You know Farah, big mountain. How long before you have visited? 8 years there. 8 years before. भाई ये जमुरियत के टाइम पे आया था। Did you meet with Taliban? Yeah, many. Really?
Many Talibans. They're just like me, no. Oh, they're just like me. अभी ये मुझे बता रहा है कि तालिबान कैसे होते हैं। तालिबान is just name for just people. दांत निकाल रहा है यार। भाई ये बंदा मुझे मिला है इधर मुंबासा अफ्रीका में यार, और इसको सारे इलाके से देखे हुए हैं भाई। इसकी पछ तो बड़ी कमाल की लगी मुझे। वेलकम इन आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। आवर कंट्री इज काइंड। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? अराउंड 10 डेज। 10 डेज। आई विश आई नो। आई टेक यू विद आई गिव यू लक। सो नाउ वेयर आर यू गोइंग मैन? खैर नाज़रीन, हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच आए हैं। कैमरा बैग वगैरह में डाल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती है यहाँ पे कैमरे को देख के ना। कल हम आए थे तो व्लॉगिंग की वजह से हमें पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, तो मैंने चाहता आज कोई पंगा हो। ये सामने जी बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन रहा जी, ठीक है ये चेक करें। तो अभी यहाँ से रेलवे ट्रेन के लिए हम जाने लगे हैं बस इंशाल्लाह। ये टैक्सी ड्राइवर गाड़ी थी जिस पे हम आए हैं जी, और आज एक भाई है जो हमारे साथ जा रहा है। ये रहा अंधेरे में नजर तो आ रहे हैं भाई। चलो भाई, फाइनली रेलवे स्टेशन पे आ गए। यहाँ पे देखे सामने इनके दो एहलकार खड़े हैं भाई, फुल सिक्योरिटी हैवी यहाँ पे होती है, ठीक है जिधर भी आप जाओ। ये सामने इस पॉइंट पे चेकिंग रही, पहले लोगों को गाड़ियों से बाहर निकालते हैं। गाड़ियों से बाहर निकालने के बाद फिर जो है ना वहाँ पे लाइन में सभी के बैग मोबाइल पर्स सब कुछ लगवा देते हैं, उसके ऊपर ड्रग इंस्पेक्शन के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं, और कुत्ते छोड़ने के बाद सामान के ऊपर वो देखें आपको आवाज़ें आ रही होंगी, फिर जो है ना जो सारा सामान होता है उसको निकाल के ये लोग ले जाते हैं आगे मशीन में डालने के बाद फिर दोबारा डालते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फिर दोबारा यहाँ पे, फिर जैसे एयरपोर्ट पे मशीन के अंदर से सामान गुजारते हैं तो यहाँ से फिर दोबारा वही प्रोसेस सेम होगा। ये देखिए ये पुलिस वाला कह रहा है गो जाओ यहाँ से, रुको मत। तो भैया अभी जाके हम सामान चेक करवाते हैं, और सामान चेक करवाने के बाद आगे मेन टर्मिनल भी जाएंगे इंशाल्लाह रात 10 बजे की हमारी ट्रेन। फाइनली मैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर हो गया यार। रेलवे स्टेशन के जो मामला है ना, सफाई सुथराई सारा कुछ बिल्कुल एयरपोर्ट से मिलता जुलता है यार। चेक करें ये देखें यार, इन्होंने कितना बेहतरीन रेलवे स्टेशन बना रखा है। आप यकीन करेंगे कि ये इनका रेलवे स्टेशन है भाई। हमारे पाकिस्तान में किस तरह का रेलवे स्टेशन होता है, वो भी अंग्रेजों के बनाया हुआ, और ये देखें यार कितना बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। चेक करें भाई, यकीन नहीं आता कि हम रेलवे स्टेशन के अंदर हैं या किसी एयरपोर्ट के अंदर हैं भाई। देखें बाकी सिक्योरिटी वगैरह के सारे मामला हो गए भाई, सामान वगैरह चेक किया, बार बार चेक किया पासपोर्ट बार बार। यार अभी अनाउंसमेंट हो गई है तो हम भी जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। यहाँ पे सामने इस तरफ ट्रेन आके रुकेगी। ये सामने जी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे अप साइड पे मेरे ख्याल आएगी। अच्छा इस रेलवे स्टेशन की सिमिलरिटी जो है ना वो को मिलेगी मशहद के रेलवे स्टेशन से, वो भी ऐसे ग्राउंड फ्लोर में नीचे से जाना होगा। देखो पाकिस्तान में ऊपर से क्रॉस करना पड़ता ना, तो यहाँ से डाउन एरिया से यानी नीचे से आप अंडरग्राउंड क्रॉसिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाएंगे वहाँ से आगे नीचे रेलवे प्लेटफॉर्म पे निकलेंगे हम लोग। लेकिन सफाई सुथराई में ईरान का रेलवे स्टेशन इससे कहीं आगे, लेकिन पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से तो ये भी एडवांस है। अभी आगे सारे लोग आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये भी जा रहे हैं ऊपर रेलवे ट्रेन की तरफ, और मैं भी रेलवे ट्रेन की तरफ ही जा रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे वीडियो बनाना सख्ती से मना है। एक इंडियन इस तरह पकड़ा गया था वीडियो बनाते हुए, तो फिर उसने $200 दिया था, फिर उसकी जान छूटी थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती से मना है वीडियो बनाना, यहाँ पे रिस्क है जो बस ले रहा हूँ वीडियो बनाने वाला। ये देखिए जिस तरफ हमारी रेलवे 45 दिस में, हालांकि हम तो इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं ना, बिजनेस क्लास में नहीं कर रहे। तो यार मुझे तो लगा था कि यहाँ पे स्लीपिंग वाला सीन होगा यार, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, पर ये तो बैठने वाला सीन है यार। चलो खैर है, कुछ नहीं होता, जो भी है मंजूर है। यहाँ पे टोटल 3 गाड़ियाँ निकलती हैं इस रेलवे स्टेशन से। कौन ना पाकिस्तान की जो इकोनॉमी क्लास है ना वो इससे बेस्ट, कम से कम बंदा सो तो सकता है यार उसमें, फट्टा लगा सुकून से सो जाओ यार, ये किसी काम के नहीं। बैठे 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 5 घंटे तबाही हो गए बंदे की। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइनली हम लोग जो है ना वो पहुँचने वाले हैं। अभी 20 मिनट में हम नैरोबी रेलवे स्टेशन पर होंगे। अभी लोग भी उठ रहे हैं जी, कोई नींद ही नहीं आई कुछ भी, बहुत ही अजीब व गरीब सा निज़ाम था। बाकी वो हमारा फट्टे वाले सीन ही बेहतर है यार, ये बैठना तो बहुत मुश्किल। फाइनली जी एग्जैक्ट टाइम से 15 मिनट पहले उसने हमें पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन पे। ये चेक करें, अभी टाइम नहीं हुआ, 15 मिनट पड़े हैं अभी जी, और 15 मिनट पहले उसने पहुंचा दिया हमें, जबकि ट्रेन लेट हो जाती हैं भाई। इसने टाइम से पहले पहुँचाया है, बल्कि लेट नहीं हुई, हालांकि बीच में भी स्टॉप था। मुझे समझ नहीं आती नाज़रीन, ये इतनी एडी काली कॉम होने के बावजूद ना
दुनिया तो पीछे क्यों रह गई यार, आधे नहीं रह गई। इनसे ज्यादा जल्दी में मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा भाई। हर जगह ही लोगों को जल्दी, टॉयलेट जाओ तो वहाँ पे जल्दी, बस से उतरो तो वहाँ पे जल्दी, चढ़ने लगो तो वहाँ पे जल्दी, हर जगह ही सबसे फास्ट, फिर भी दुनिया से पीछे यार। जी बात है, अभी देखो रुकी नहीं, सारे पहले उठ के खड़े हो, जैसे इनको छोड़ के इन्होंने चले जाना, इनको उतारना ही नहीं है, पता भी अभी आखिरी स्टॉप है इसका, इसने आके यहाँ से आगे कहीं भी नहीं जाना, फिर भी इन लोगों को खड़े होके सामान उठा के खड़े ही होना है, बस धक्के दे के उतरना है, अंदाजा लगा। हम पाकिस्तानी कौम फिर भी सब्र वाले सुकून से बैठे हो। फाइनली अब हम अपना सामान लेके ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं, बाहर 16 डिग्री ग्रेड टेम्परेचर है। ये एलिवेटर है भाई। रात के जी तकरीबन 3:35 हुए, अभी 40 हो गए होंगे, सारे लोग उतर गए, हम भी अब उतरे हैं, नैरोबी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं। अभी यहाँ से एलिवेटर का यूज़ करने वाले नीचे जाने के, यहाँ पे लोग फुल हैं तो बाद में जाएंगे। दो थे ना पे ना, ये देखें जी, ये सारा ट्रेन स्टेशन है एयरपोर्ट की तरह, और यहाँ से एग्जिट है, सारे लोग नीचे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भाईजान सेम एयरपोर्ट वाला सीन दिखाई दे रहा है, इतनी सफाई है ना कि क्या बताऊं। इतना बिजी रेलवे स्टेशन नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ट्रेनें चलती है, 2 दिन को हैं, एक ये रात वाली है, और वो भी बिजी इतनी होती है कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। हमें दिन वाली में तो टिकट नहीं मिली, सिर्फ रात वाली में मिली है, लेकिन साफ सुथराई उन्होंने और सिक्योरिटी इतनी टफ कर रखी है ना, जैसे कोई दुबई का एयरपोर्ट भी इतना टफ नहीं है भाई जितना इन्होंने इसको बना रखा है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है यार, यकीन करो, पता नहीं कितने फेजेस हैं सिक्योरिटी के जिनसे गुजरना पड़ता है। टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी डाउन है जी, अब मैं भी यहाँ पे आके बैठ गया, ये देखिए वेटिंग लॉन, वेटिंग एरिया सारा, ये अभी रात के 3 बजे, कहीं और तो जा नहीं सकते, इसलिए बेस्ट यही ऑप्शन है कि यहीं पर बैठ के वेट करते हैं सुबह होने का, इन्हीं बेंचों के ऊपर सो जाते हैं भाई, और सुबह अपना कोई नेक्स्ट युगांडा का या यहीं रहने का कुछ प्लान करेंगे। नाजरीन अभी यहीं पे एडवेंचर करने लगे हैं जी, सर्दी वाह है, और बैग वगैरह 2 रख दिए सर के नीचे, यहीं पे सोते हैं सुबह के, सुबह तक 2 घंटे यहीं पे गुजारते हैं आज। हेलो आज अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो फाइनली अभी यहाँ पे उतरे हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, अभी यहाँ से हमने सोचा कि युगांडा कंपाला की बस और डायरेक्ट निकली, जैसे पाकिस्तान से चाइना की निकलती थी, वो बॉर्डर भी उसी सेम बस पे क्रॉस होगा, तो अभी उसके लिए यहाँ से जाने लगे हैं, जो इनका CBD है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिजनेस नैरोबी, वहाँ जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे, और 14 घंटों का सफ़र है जो कि हम बाई बस करने वाले हैं, पीछे से भी थके हुए अभी रेस्ट नहीं कर रहे यार, बस अभी लॉन्ग जर्नी तय करनी है भाई, क्या कर सकते हैं। ये भाई है, इसको मैंने बोला ही इज़ कमिंग, he's coming, okay, but you will have to pay for you will pay for him parking because he's coming inside, so you have to pay for the parking. How much for the parking? 100 shilling. Yeah, he's coming inside. Like, where is the parking? Here. यार ये हमारी अबर आगे लिखने से बंदे ने किया ये कि पार्किंग हमें पे करनी पड़ेगी, ये जो अंदर इंटर हुआ है। और यहाँ से युगांडा से डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है, अभी रात को हम लोग ट्रेन लेके भाई आए हैं मुंबासा से, और अभी मैं नैरोबी में मौजूद हूँ, ये मेरे साथ एक भाई हैं जिनको आती है ठीक ठाक उर्दू, आपने उर्दू कहाँ से सीखी भाई? ओ भाई हेलो, ओ बाबू उर्दू कहाँ से सीखी तुमने? मेरी माँ इंडिया की है। अच्छा, माँ इंडिया की है, क्या बात है भाई, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, सब आती है, जबरदस्त 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 भाई की माँ इंडिया की थी यार, इसलिए उसको What's up nigga? What's up nigga? Stay away, stay away. Hello, hello. 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 Hello, hello.
ये 5 बजे जाता है, ये क्लासिक जो उधर है, अभी ये 2 बजे जाते हैं। 8 बजे वाला करो, 8 बजे वाला कोई आ जा, 8 बजे अभी ये 8 बजे वाली गाड़ी है जी, उसके लिए हम जा रहे हैं। बोलो किधर आ। मेरा नाम शबीर है और इसका नाम समीर है। इसको इंग्लिश आती है, सॉरी उर्दू आती है, और मुझे भी खैर आती है। टिकटें वगैरह हमने ले लिया भाई। हाँ। और बड़ा ही अच्छा बंदा यार। हाँ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी माँ लाहौर का। हाँ, और मैं इधर का रहना हूँ, उधर पैदा हुआ। मैं फ्रेंच आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, कच्ची आती है, सब आती है। यार टिकटें बहुत महंगी मिली हैं। ये टिकट जो है ना, ये तकरीबन हमें मिली 1500 शिलिंग की। हाँ, चाहती है। तकरीबन $35 की एक टिकट पड़ गई हमको। हाँ। तो ये काफी महंगी मिली यार, बहुत महंगी मिली है कंपाला की यहाँ से। चलो खैर, कोई नहीं, गुजारा तो हो गया ना, क्या कर सकते। अब जाना तो है, तकरीबन 10 बजे 8 बजे यहाँ से निकलेगी और कल हमें वहाँ पे इंशाल्लाह युगांडा में पहुँचा देगी। नाज़रीन, अभी शाम के तकरीबन बजे हैं जी 7:45 और 15 मिनट रह गए हमारी गाड़ी निकलने में। अभी हम कहाँ थे मैं आपको बताता हूँ। एक भाई थे सियालकोट वाले, जो आपने पिछले व्लॉग में देखे, उनके अपार्टमेंट पे गए हुए थे भाई। खाना खुना खुद बनाया, कुक करने के बाद खाया, तो वो थोड़ा टाइम लग गया यार बनाने बनाने में ना। तो वैसे गाड़ी वाले को मैंने कॉल कर दी कि यार हम आ रहे हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप उनको कॉल करके बोल देना कि मैं आपको सोडा दूंगा और आप थोड़ा रुक जाएं, तो भाई जान उनको सारी रात रोक के रखे, मसला ही नहीं है यार, कोई मसला ही नहीं। बस एक दफ़ा लालच दे दें, फिर चाहे वो जितनी सवारियाँ मर्जी बैठी हैं, वो 4 घंटे आपका वेट करेगा। हमारी गाड़ी निकलने में सिर्फ 4 मिनट रह गए, और मैंने इसको बोला कि मुझे गाड़ी से बाहर निकलने दो, हम यहाँ से पैदल चले जाते हैं। अब्बर राइड वाला कहता नहीं, अगर आप बाहर निकलोगे तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। अजीब बात है यार, ये हम गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल सकते। वो देखिए सामने पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे आप ना तो उतार सकते हो और ना ही बिठा सकते हो इसमें। टिकट काट पाए ना, गाड़ी हमारी लेट हो गई बहुत निकलने वाली यहाँ से। हाँ, गड्डी रही हाली यार, बंदा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया यार। ओए हमारी ये बैग तो अंदर रखो, रखते हैं, हो जाते हैं, 5 गाड़ी जाता है। नहीं नहीं यार, परेशान मत है, तुमने स्टॉप किया हमारे लिए। ये बंदा, क्या बात है, ये बंदा हमारे लिए गाड़ी रोक के खड़ा था भाई। युगांडा के लिए गाड़ी में बैठ गए भाई, ये गाड़ी डायरेक्ट युगांडा में लेके जाएगी। इतने दिमाग खराब होते ने इतने भाई, जो उर्दू जानता था दिन को मैं मिला, इंशाल्लाह मैं जल्दी आएगा इधर। हाँ। मैं वापस आ रहा है युगांडा से, इधर आएगा। ओके, तुम्हारा तुम इधर मिलेगा, चलो तुमसे मुलाकात होगा दोबारा, ठीक है। हैं सची, यहाँ तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ने हमारे लिए स्पेशल गाड़ी रोकी हुई थी भाई, वो बोल रहा था जब तक गाड़ी ना आए तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। भाई मैं पहली दफ़ा कोई इंटरनेशनल बस ले रहा हूँ जो हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाएगी। तो अभी मेन सिटी जो है नैरोबी, वहाँ से निकल रहे हैं। 700 किलोमीटर का सफ़र है बॉर्डर पहुँचने पे, और बॉर्डर के बाद आगे कंपाला पहुँचेंगे। तो मेरे ख्याल में कल दोपहर तक हम कंपाला में पहुँच जाएंगे। ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं सेम बस पे ना भाई एक इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करने लगा हूँ। पहले हम बॉर्डर बाय रोड क्रॉस तो करते थे, लेकिन उसमें ये होता था कि आप एक बस लेके जाते थे, वहाँ पे वो बस आपको उतार देती थी, आप पैदल चल के दूसरी तरफ जाते थे और वहाँ से एक नई बस लेनी होती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मैं सेम बस पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा हूँ भाई, ये नया एक्सपीरियंस है। और ये अक्सर होता है जिन ममालिक में ताल्लुकात अच्छे होते हैं, उन ममालिक में ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान से बस चली थी चाइना के लिए, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस वाले लोगों को लेके जाती है, टूरिस्ट लोग नहीं जा सकते या सिर्फ स्टूडेंट जा सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे तो हर किस्म का बंदा बैठा, जैसे हम टूरिस्ट हैं, आगे कुछ गोरे भी बैठे हुए हैं यार। भाई एक जगह पे बस स्टॉप हुआ, यहाँ पे हम रुके हैं। और दूसरी बात ये है कि यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं ना, जो पानी वाली बोतल है ना लीटर, वो पाकिस्तानी है 250 रुपये की है, 120 शिलिंग की यहाँ पे दे रहे हैं यार। सिर्फ लूटने के अलावा और कुछ भी नहीं है इस जगह पे। तो भाई अभी करना ये है कि अपना सामान नीचे रखना है, लोग बड़े अजीब वगरीब नजर से देख रहे हैं। हेलो, सामान हमारा गाड़ी के अंदर पड़ा, जो कि बार बार जो है ना लोग गुजरते हैं तो उसके ऊपर पाँव देते हैं।
उसको नीचे रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। यार ये देखें, ये छोटी सी पानी की बोतल और ये पाकिस्तानी 130 रुपए की इन्होंने दी है। यार कितना यहाँ पे लूटने का इन्होंने फुल प्लान बनाया हुआ। फाइनली हम बॉर्डर पहुँच आए हैं जी, केनिया एंड युगांडा के। ये पीछे मेरे लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन की। बॉर्डर पे आपको पता बहुत सख्ती होती है, वीडियो बनाने नहीं देते। अभी यहाँ पे लाइन में लगा, यहाँ पे येलो फेवर दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाले खड़े हैं। तो आपने यहाँ से करेंसी तब्दील नहीं करवानी। और ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा है भाई कि मैं रात के 3 बजे बाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो अभी जाते हैं बॉर्डर पर जाके इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाता हूँ और मैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब कुछ बताता हूँ कि क्या हुआ। चूँकि आपको पता है यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैं भी मोहतात ही रहूँगा भाई। अभी ये मेरे पीछे इमिग्रेशन की बिल्डिंग रही और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जी, ये जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या भाई। मैं कहीं साइड पे जाता हूँ, सारी बात आपको बताता हूँ भाई जान। ना हुआ ये, यहाँ पे सारे इमिग्रेशन के ऑफिसर फिर रहे हैं। हुआ ये कि ना हम मेन पे एंटर हुए केनिया बॉर्डर पे, केनिया इमिग्रेशन पे, एक ही बिल्डिंग में दोनों का इमिग्रेशन है। केनिया इमिग्रेशन पे गए, उनको बोला कि ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारा वीज़ा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने स्टैंप लगा दी। उस बंदे को उर्दू आती थी भाई, उसने उर्दू में हमसे बात की और ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। लेकिन उसने कोई नेगेटिव बिहेव नहीं किया। जब मैं चला गया, मेरे साथ दूसरे दो साथियों को उसने पासपोर्ट देखे, उसने कहा अपने उस दोस्त को वापस बुलाओ। मैं वापस आया, कहता कि हमें ना लंच दो। तो मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं होता, कहता डॉलर में। कहा नहीं। फिर मैंने 1000 शिलिंग जो था पाकिस्तानी 2000 रुपये वो उसको निकाल के साइड पे दे दिया। उसने सबके सामने पकड़ लिया, पूरे लाइन में किस सब लोग देख रहे थे, उसको कोई डर नहीं, उसने पकड़ा। फिर हम युगांडा इमिग्रेशन पे गए, वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, मुझे देखा, कहता नहीं, कहती मुझे ना ट्रैवल अटर्नी दो और होटल बुकिंग दो, फिर मैं आपको जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं। चलो ठीक, मुझे टाइम दो। मैं ट्रैवल अटर्नी होटल बुकिंग लेके गया उसके पास कि ये लो, थोड़ी देर फ़ौरन हमने बुकिंग कर ली। लेके गया, कहती नहीं, साथ वाले कमरे में जाओ, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। मैं उसमें गया तो वहाँ पे एक क्लियरेंस फॉर्म होता, वो उसने फिल किया, पूछता गया कहाँ रहते हो, काम क्या करते हो और आगे कहाँ जा रहे हो, उनका नंबर वगैरह सारा हम दे। जब देने लगे तो कहते हमें 100 डॉलर दो, एक एक बंदे की क्लियरेंस फीस। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, इतनी ज़्यादा तो नहीं दी जा सकती। कहता नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। उसका एक सीनियर ने मांगे, जूनियर पासपोर्ट भाई, मेन जो यहाँ का हेड है उसने मांगे 100 डॉलर दो हमें। इतनी ज़्यादा रिश्वत चलती है ना भाई कि उसका कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आप पैसा दो आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सारे हैं, पैसे नहीं हैं, तो कोई काम नहीं होगा भाई। रशियन पासपोर्ट को रोक के खड़े थे या यूएसए का पासपोर्ट रोका हुआ था, हम क्या चीज़ हैं। यूएसए वाले वो ऐसे थे, 50-50 डॉलर दे के गए, लेकिन हम पाकिस्तानी फिर भी हमारे पासपोर्ट का फ़ायदा हमने थोड़ी। फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सभी के फॉर्म फिल करवा दिए। फिर मैंने बैग से 3000 शिलिंग निकाला, यानी पाकिस्तानी 6000 रुपये। वो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को देखा था, नहीं मैं नहीं ले रहा। मैंने ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़ा के ना उसका गला खोल के उसके हाथ से गले में रखवा दिए। कहता नहीं ऐसे नहीं, 1000 और दे दो। मैंने कहा चलो मैं दोबारा आऊँगा तो फिर मैं आपको दे दूँगा। फिर हंसने लगे, कहता चलो ठीक है चले जाओ। फिर हम लेडीज़ के पास गए, लेडीज़ ने कहा कि हम आपको एंट्री कितने दिन के दें। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, मुझे 1 महीने की डेट। तो उसने मुझे 2 महीने के स्टे दे दिया। अब 2 महीने मैं यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। अभी युगांडा जाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट का जो है गाड़ी हमारी वेट करी। अब देखें क्या मैं आया था, अभी यहाँ पे शाम थी, सॉरी 3 बजे का टाइम था, अभी 6 बज गए। 3 घंटे हमारे इस इमिग्रेशन पे लगे, इन्होंने इतना हमें जलील किया यार मत पूछो। बहुत ख्वारी है यार इस इमिग्रेशन पे, वाकई सही वाली रिश्वत चलती है यहाँ पे। अभी ये हमारी सामने गाड़ी रही जी, ठीक है। अभी चल के गाड़ी में आपको बैठ के बताते हैं होटल तक का, आप हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, पर बात पूछनी इंस्टाग्राम पे आ जाएं। फाइनली सुबह हो गई है जी और सूरज भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और हम भी युगांडा में इंटर हो रहे हैं। लेकिन युगांडा में मुझे इथोपिया केनिया दोनों की नस्बत सबसे ज़्यादा जंगलात देखने को मिले हैं। यहाँ पर हरियाली सबसे ज़्यादा है, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप इथोपिया में तो आप किसी खास नेशनल पार्क में इंटर हो रहे हो तो वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे हर जगह हरियाली आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। केनिया में मुझे ज़्यादातर सहराई इलाके देखने को मिले थे, क्योंकि वो सहरा पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हरियाली है। फाइनली जो ओल्ड टाउन है कंपाला का जी, वहाँ पे पहुँच आए हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम लग गया यार, बैठ के सफ़र करके यार, खास अच्छी ट्रांसपोर्ट भी नहीं है यार। 11:30 हो गए यार, आप अंदाजा लगाएं कब से हम निकले हुए हैं। फाइनली नाजरीन 15.5 घंटे की जर्नी जो कि 800 किलोमीटर की थी वो करके हम लोग नैरोबी से कंपाला पहुंच आए हैं जी। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल
बस जर्नी थी जो हमने एक ही बस पे बॉर्डर क्रॉसिंग भी की, तो इसमें तकरीबन 13.5 घंटे तो हमें सफर में लगा, लेकिन 2 घंटे इमिग्रेशन पे वेस्ट हो गए। ये है जी कंपाला, युगांडा का कैपिटल भी है, और युगांडा आप जानते हैं जिसका शुमार दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। इतना गरीब तरीन है कि पाकिस्तान का एक इदारा है अखूवत, उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो मुझे बता रहे थे कि उनका जो डिपार्टमेंट है ना अखूवत भाई, वो भी इधर युगांडा में आकर लोगों की इमदाद कर रहा है। और युगांडा एक ऐसा कंट्री है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भाईजान बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे तकरीबन 2 लाख इंडियन और 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बिजनेस करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतना बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बिजनेस के सारे रास्ते भी बताऊँगा। और ट्रैवलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं युगांडा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे कॉन्टेंट से। तो अभी चूँकि हम यहाँ पर उतर चुके हैं, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में एक चीज़ और बता दूँ। ये जो मेरा बस ड्राइवर था ना, बिहेवियर बहुत रूड था। ऐसा नहीं होता कि हर बंदे का बिहेवियर ऐसा हो, बाज़ुकात कभी कभी ऐसा निकल आता कि इन लोगों का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये दोस्त होते हैं हमेशा। जब ये दोस्त होना है ना, कुछ चीज़ पीपू रखी हो, तो फिर इनका दिमाग काम नहीं करता सही तरह से। इसने मुझे बोला कि तुम अपना सामान लेके चले जाओ गाड़ी में, जब स्टॉप आएगा ना तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारा सामान नीचे रखवा दूंगा। स्टॉप आया तो मैं इसके पास गया, आगे से मुझे कहता कि मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो तुम, जाके बैठ जाओ। भाई उसने ये बात की, मेरा तो दिमाग मेरा ख़राब हो गया यार। मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा यार, ये क्या बिहेवियर है, मुझे क्यों बोल रहा है ये दिमाग ख़राब कर। मैंने बोला मैंने तुम्हें पैसे दिए, मेरे वापस कर दो इधर। कहता मैं वापस नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी इतना यकीन करो मेरा एकदम आया कि यार मैं इसके साथ थोड़ा करूं। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं इसके साथ हाथों पाई करूंगा तो ये लोग ये तो नहीं कहेंगे शबीर अहमद ने की, ये लोग तो यही कहेंगे पाकिस्तानी ने की। फिर मैं बर्दाश्त करके और सारे रास्ते अपना बैग अपने पास ही पकड़ के बैठा रहा। तो इस तरह ये लोग कर देते हैं यार, तो खैर इग्नोर किया करो। हाँ अगर आप इनको मारो पीटो ना, तो भाई उसकी गारंटी आप लोगों की, क्योंकि एक दफ़ा तो आप इसको चपेट मार लोगे, लेकिन बाद में ये जो निकल के आएंगे ना मकौड़े और कीड़ियों की तरह, फिर आपकी खैर नहीं। तो बाकी एक ला कानूनियत सी है यहाँ पे, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर आप समझे ना कि अगर आप यहाँ पे आए और आपको प्रॉपर रूल मिलेगा, नहीं वो नहीं है। हर जगह पे $16 चलता है बस। अच्छा अभी इसकी गुर्बत की जो सबसे बड़ी वजह है ना, ये नहीं कि इनके पास सोर्सेज नहीं है, बात ये है कि यार इन लोगों का एक इन लोगों में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि लोग आगे निकल ही नहीं पा रहे, और वो निचले तबके से लेके ऊपर तक करप्शन फैली हुई है। तो बाकी सारे कुछ इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल में नहीं हो रहा। अभी जाके यहाँ से करेंसी तब्दील करवाते हैं सबसे पहले। तो